नमस्ते फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर विशाल पंड्या, एमडी आयुर्वेद फिजिशियन, पंचकर्म स्पेशलिस्ट और आपका हेल्थ कोच। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हमारी इम्यूनिटी, जिसको बढ़ाने का रहस्य छुपा है हमारे आयुर्वेद में। आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, इंजेक्शंस नहीं थे और वेंटिलेटर्स आदि आधुनिक उपकरण नहीं थे, फिर भी उस समय भी संक्रामक रोग से निपटने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या था? वो था हमारी इम्यूनिटी। जी हाँ, हमारे आयुर्वेद में 5000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने इसका उल्लेख किया है और ये रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी बल को बढ़ाने के उपाय हमारे आयुर्वेद में दिए हुए हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं और उनके दो ही प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी जल्द से जल्द कैसे बढ़ाएं? और दूसरा प्रश्न ये होता है कि हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको हल्दी, शहद, अदरक, लौंग, काली मिर्च आदि अनेक प्रकार की, तुलसी आदि अनेक प्रकार की औषधियाँ दी, लेकिन उनको उससे छाले पड़ जाते हैं, यानी मुंह में छाले पड़ जाते हैं, या तो फिर जो है वो पेशाब में जलन होती है, पेट में जलन होती है। तो फिर इनका उपाय क्या है? जरा समझिए, आजकल सोशल मीडिया में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नुस्खे जो है प्रचलित हैं, लेकिन इन सबका प्रयोग कैसे करना और कब करना, इसका बहुत सारे पेरेंट्स को जो है सही ज्ञान नहीं है। सभी पेरेंट्स को एजुकेट करना हमने बहुत ही ज़रूरी समझा, क्योंकि हर एक बच्चे की प्रकृति यानी तासीर एक जैसी नहीं होती है, तो फिर हर एक बच्चे की दवाई यानी औषध एक जैसी कैसे दे सकते हैं? जरा समझिए, जैसे किसी बच्चे की पित्त प्रकृति यानी गर्मी की तासीर है और उसे हम ज़्यादा प्रमाण में अदरक, काली मिर्च, तुलसी आदि का सेवन करवाते हैं, तो परिणाम हमें विपरीत मिलेगा। इसी प्रकार जो है ये भी है कि अगर हम किसी चीज़ को दे रहे हैं यानी कोई औषध दे रहे हैं, तो उसका प्रमाण क्या है, उसके साथ किस प्रकार का भोजन हमें करवाना चाहिए। जैसे बहुत ही सिंपल उदाहरण है, आप समझिए, अगर हम हल्दी वाला दूध हमने बच्चे को दिया और उसके ऊपर तुरंत हमने एक संतरा खाने को दे दिया तो क्या होगा? जी हाँ, उसके ना तो उसको हल्दी वाले दूध का पोषण मिलेगा, ना तो संतरे का पोषण मिलेगा, और ये लाभ की जगह हानि ही पहुँचाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में इसको विरुद्धाहार कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं और जाने अनजाने में हम भूल करने के कारण हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जैसे कि बच्चों को फल, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, अलग अलग प्रकार के ब्रेकफास्ट, दूध, दही, गुड़ आदि कब और कैसे देने हैं, साथ में जैसे अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, काली मिर्च है, मधु है आदि अनेक प्रकार की जो औषधियां हैं, उसको हम कैसे और किस प्रकार से देना है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने इसको महत्व को देखते हुए 18 साल तक के आयु वाले बच्चों के लिए हमने एक खास आयुर्वेदिक इम्यून बूस्ट प्रोग्राम तैयार किया, जिसमें उस बच्चे की पर्टिकुलर तासीर के हिसाब से यानी उसकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग सजेशंस तैयार किए हुए हैं, एक ऑथेंटिक गाइडलाइन दी है, ऑथेंटिक सॉल्यूशंस हमने दिया है। और ये प्रोग्राम क्या है, आपके बच्चों की इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने राज्य का नाम लिखकर भेज सकते हैं, या तो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट और हमारे कॉल की डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।